तो दोस्तों बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और साउथ सुपरस्टार प्रभास दिखेंगे एक साथ साउथ की इस मूवी में। जी हाँ दोस्तों, साउथ प्रोड्यूसर मांशु विष्णु को पिछले कुछ वर्षों में बड़ी सफलता नहीं मिली है। पिछले साल उनकी फिल्म गिन्ना दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही थी। हाल ही में उन्होंने श्रीकालहस्ती मंदिर में एक पूजा समारोह के साथ अपने सपनों का पैन इंडिया प्रोजेक्ट कनप्पा लॉन्च किया है। पैन इंडिया स्तर पर आ रही इस फिल्म से अच्छी उम्मीदें हैं। जानकारी के अनुसार विष्णु इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए कई भारतीय सिनेमा से एक्टर्स को एक साथ लाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बता दी कि इससे पहले घोषणा की जा चुकी है कि फिल्म में प्रभास भगवान शिव के रूप में नजर आएंगे, जबकि रिपोर्ट के अनुसार नयनतारा फिल्म कनप्पा मूवी में उनके विपरीत पार्वती की भूमिका निभाती नजर आएगी। प्रभास और नयनतारा इससे पहले योगी में एक साथ काम कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि मांशु विष्णु की मूवी की कास्ट के लिए राणा दुग्गुपति और अक्षय कुमार के नाम पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म में मलयालम मेगा स्टार मोहनलाल भी अभिनय करेंगे। फिल्म में वह अहम भूमिका में नजर आएंगे। वैसे दोस्तों, ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि फिल्म में राणा दुग्गुपति के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे। देखते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है। मांशु विष्णु ने फिल्म के लॉन्च के दौरान कहा था कि भक्त कनप्पा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस समय यह भी अफवाह थी कि फिल्म का निर्देशन तनिकेला भरानी द्वारा किया जाएगा, लेकिन फिल्म की शुरुआत सबसे मशहूर हिंदी सीरीज महाभारत के डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह के साथ हुई थी। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक रहा तो इस मूवी में पहली बार हमें अक्षय कुमार और प्रभास एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। वैसे इस फिल्म के अलावा अक्षय कुमार की कई सारी मूवीज आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मूवीज है बड़े मियां छोटे मियां, हेरा फेरी 3, वेलकम 3, हाउसफुल 5, स्काई फोर्स। और भी कई सारी मूवीज है जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वैसे आप खिलाड़ी कुमार की किस फिल्म का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डायहार्ड फैन है तो ऐसी ही अक्षय कुमार की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।